मैडम, इस एड्रेस पे कैसे पहुँचेंगे आप बता सकते हैं? आप यहाँ से सीधा जाइए, सीधा जाकर राइट टर्न मारेंगे, वहाँ आपको एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा थैंक यू। सीधा चला वो देखा हरिवाली बिल्डिंग देखा। आपका ही है ना? मैं पेंजे से निकले आया। आइए ना। थैंक यू। हेलो यंग मैन। नमस्ते। शुक्रिया। मेरा नाम संतोष वर्मा है। तुम कहाँ से रहने वाले हो? जी मैं पटना का हूँ और अभी अभी ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। सर्विस करते हो? मैं ब्रिज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हूँ। यहाँ किस लिए आए हो? पेंगेस रहने के लिए। हमें कोई पेंगेस पेंगेस नहीं चाहिए। आपने तो इश्तिहार दिया था। ओ हाँ, मैंने तो इश्तिहार दिया था, लेकिन तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, ये बहुत अकलमंदी का काम किया। शादी नहीं की, लेकिन मुझे कोई मुझे शादीशुदा आदमी होंगे चाहिए। जाने भी दीजिए, सब शादीशुदा आदमी कहाँ शरीफ होते हैं। हाँ तुम बोलती हो तो मैं मान लेता हूँ। किराया 500 रुपीज पर मंथ मुझे मंजूर है। थैंक यू वेरी मच। मैडम यार, तू तो इतनी बिजी रहती है, मैंने सोचा नहीं चल के मिलना। मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता, मुझे लगता है मैं ही बेकार हूँ। अच्छा क्या, कल ना तो जाके मिलते हैं। हाँ ठीक तो हो गई है ना? हाँ हाँ मैं कोशिश करूँगा। करुणा भी हम दोनों को साथ में देखकर हैरान होगी। संभल के, तुम्हारे पास भारी है, जरा संभल के चला। हाँ, मालूम है उनका। शर्मा गई क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हें अल्फंटा की गुफा कैसी लगी? खास लगी, एक वैसे तो बढ़िया, अपने गांव में बड़ी बड़ी गुफा हो। अरे हाँ बहुत बड़ी है, तो मैं भूल गया था। हाय हाय राजा, आज तू देगा मुझको धोखा। अरे चंपा क्या बात करती है? हाय हाय अदा पर तो मरती हो रे। हम जाते। अरे ससुर कहाँ है? ये कौन आ रहे लौंडिया? ये लौंडिया नहीं, हमारी औरत आएंगे। हटो जाके। अरे अरे सुनो, अरे अनारकली बचरिया में क्या क्या मिलाता रे? छोड़ मुझे। अरे सुनो, केले में मिल रसिया तो दबा डालू तुझ पे। बहुत लंबा जी, ये कौन सा होटल है? अरे ताज भाई जी, ये कौन सी जगह कौन सी? अरे गोलाबा जी। कौन सा बाबा? अरे बाबा नहीं जी, गोलाबा। तुम्हारा स्टैंडर्ड कितना लो जी, आज तुम फिर सके के पीछे भागता जी। सका वो हमारी दीदी है। नमस्ते भाभी जी। भाभी? अरे बाबा माफ करना, अरे पंडित जी इनसे मिलिए, ये हमारे इंजीनियर सर। अच्छा सर, इंजन ड्राइवर है? नमस्ते, यो इंजन ड्राइवर नहीं इंजीनियर जी। अरे होगा वो, हमारी दीदी भाग रही है। अरे नॉन कमी, ये कौन था ये? अरे वेरी गुड नमूना जी। अच्छा, जगह कौन सी है? अरे कोलाबा जी। कौन सा बाबा?
आयो बाबा नहीं कोला बाजी। सर मुंबई वेरी बिगर सिटी। सर ये ग्रेट वे ऑफ इंडिया जी। ब्यूटीफुल प्लेस जी। सर उधर देखो जी, उधर सामने देखो जी, जहाज है कितना खूबसूरत है जी। अच्छा ब्यूटीफुल कपल। लॉन्च किधर जाता है? अरे सर सब लंच इधर से इधर को जाता जी। लंच नहीं लॉन्च। लॉन्च जहाज। अयो जहाज सब किधर जाते? जहाज बोला ना जी। अयो सब जहाज बहुत जगह जाता जी, लेकिन एलिफेंटा के बहुत आता जाता जी। अयो सर एलिफेंटा के वेरी मशहूर जी। पर ये एलिफेंटा केव में है क्या? अयो सर ब्यूटीफुल मूर्तियाँ जी। अच्छा। पत्थर का लड़का लड़की सेक्सी पोज जी। यंग कपल गोइंग एंड एंजॉयिंग देयर जी। यू मस्ट गो सर। हेलो भिंडा जी, आप यहाँ? हाँ एक सहेली को मिलने आए हैं। अगर वक्त हो तो आइए एक कप चाय पी लें। नो थैंक यू, हम जरा जल्दी में हैं। चल सरोज। इस केस में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, इसकी रेट आगे ले आइए। ओके थैंक यू। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए आओ आओ। आज तुम दोनों को वक्त कैसे मिल गया? वक्त इसलिए मिल गया कि तुझे खुशखबरी सुनानी थी। खुशखबरी? सरोज को एक पेइंग गेस्ट मिल गया हो। अपना क्यों नहीं बताती कि तुझे एक इंस्पेक्टर मिल गया है? वो अरे वो तो खामखा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मुबारक हो। किसी के पीछे पेइंग गेस्ट, किसी के पीछे इंस्पेक्टर, मेरे पीछे तो कोई कंडक्टर भी नहीं आता। डोंट वरी, तुझे कंडक्टर नहीं कोई कलेक्टर मिलेगा। अरे अपना जरा चाय वाय पिला दे। चलो लड़के को पेइंग गेस्ट रख लिया है। पेइंग गेस्ट? वो भी लड़का को? हाँ, तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं नथिंग। पर अंकल आप तो बोला था आप किसी शादीशुदा को पेइंग गेस्ट रखेगा। हाँ वो तो कहा था, लेकिन ये लड़का निहायत सेफ लगता है। ओ आई सी। अंकल सम वाटर। सरोज बेटी तुम ही आए पानी ले आओ। बट अंकल ये पेइंग गेस्ट वाला मामला ही गड़बड़ है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंटी ने कहा कि इतना बड़ा घर खाली पड़ा रहता है, पेइंग गेस्ट आने से घर भर जाएगा। आई अंडरस्टैंड। हेलो पर अंकल पेइंग गेस्ट घर में यंग लड़की है। एनीवे अंकल माँ क्या है? माँ ये टोनी का बार बार यहाँ आके शराब पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुझे कुछ बोला क्या? बोलेगा क्या तो फिर क्या हुआ? माँ उसे समझना चाहिए कि ये कोई शराब खाना नहीं है, इज्जतदार लोगों का घर है। जाने देना, तुझे क्या करना है, वो तेरे पिताजी के साथ पीता है।
माँ तुम क्या समझते हो वो यहाँ शराब पीने आता है? तो क्या करने आता है? माँ तुम भी एक दिन खुद ही देख लेना। क्या करने आता है यहाँ? मैं अकेले यूं हूं मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द। नमस्ते माँ जी। कैसी लगी जगह? बहुत अच्छी है। ऑफिस जाने की तैयारी? जी। किसी बात की तकलीफ हो तो बताना। हाँ जरूर बताऊंगा। अच्छा चलता हूँ। लड़का अच्छा है। आवा आवा कौन आवा आवा? अरे भैया तुम जो आ रहे हो? मैं? हाँ यो, हम कब से तुम्हारा वेट करता जी। ए सच सच बोलो ना, क्या भानगड़ है? तुम मेरा वेट कर रहे ला? मैं क्या तुम लोगों की प्रेमिका हूँ? अरे भैया हमारी बात तो सुनो, तुम्हारी जो प्रेमिका है ना हम उसकी बात कर रहे हैं, हमारी प्रेमिका की नहीं। मेरी प्रेमिका? हाँ कौन? वो वेरी ब्यूटीफुल जी, वंडरफुल जी। कौन 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 थी वो? अरे वो 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 अरे वो अरे मुत्तु स्वामी ये बतावा तुहार इंजन ड्राइवर साहब के हाल का है? अयो इंजन ड्राइवर नहीं जी, इंजीनियर साहब है। इंजीनियर साहब का हाल बहुत अच्छा जी, लेकिन उस बुड्ढे का चाल गड़बड़ जी। बुड्ढा बहुत खड़ूस जी। खड़ूस? मेरे होते हुए कोई खड़ूस? अंदर कर दूंगा उसको। अरे भैया बूढ़े को अंदर करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे साहब खुद ही अंदर हो जाएंगे। ये वो तुम क्या बात करता जी, हमारा साहब अंदर कैसे हो जाएगा जी? अरे भैया उस बूढ़े खुरसट के घर में खूबसूरत छोकरे भी तो है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? नाश्ता। पर मेजर साहब ने तो कहा था कि सिर्फ चाय मिलेगी। मेजर साहब की तरफ से चाय और हमारी तरफ से नाश्ता। आपका नाम क्या है? सरोज। मेरा नाम संतोष है। इत्तेफाक से हम दोनों की राशि एक ही है। आप नाश्ता कीजिए। हाय हाय देयर। अंकल है घर पर? होंगे शायद। होंगे शायद मतलब? दिमाग हो तब तो समझोगे ना। अरे अरे जरा प्यार से समझाओ ना मुझे। मुझे बकवास पसंद नहीं। और मुझे तो सिर्फ बकवास ही पसंद है। Have a nice day, baby. Take care. Okay. तुम्हारा ख्याल गलत है टोनी, वो लड़का बहुत अच्छा है। अरे बहुत अंकल। अंकल आप तो सिर्फ फेस ही देख सकता है ना, हार्ट का अंदर क्या है आपको नहीं मालूम। काम निकालने का वास्ते कोई भी जेंटलमैन बन सकता है। सरोज देख बेटे दरवाजे पर कौन है। Here comes a young man. आओ संतोष नहीं चले आओ, आओ इनसे मिलो। टोनी जैस्पर तुम्हारी तरह एक नाइस यंग मैन। हेलो नाइस मीटिंग यू मैन। अच्छा अंकल मैं अपने कमरे में जाता हूँ। ठीक है जाओ। कैसा लगा लड़का? कुछ खास नहीं अंकल। खास है खास है, ये तुम्हारा शक है हकीकत नहीं। अंकल ये डाउट ही धीरे धीरे एक दिन रियलिटी में बदल जाता है। इसी अंकल इसी वन डे। यहाँ क्या देखे आप? यूं ही सुबह का दृश्य। कल रात को उस बदमाश के साथ पापा को बैठे देखकर आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं मैंने तो उसे बात तक नहीं की। कौन है वो? टोनी।
इस इलाके का गुंडा है वो। अच्छा? हाँ, जबरदस्ती एक बोतल शराब लेकर रोजाना शाम को पहुंच जाता है डैडी के पास। अच्छे घरानों में तो ये बात ठीक नहीं समझी जाती। हाँ, लेकिन पापा को कौन समझाए? मैं समझाऊंगा। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अच्छा, मुझे ऑफिस में देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं? इस पागलपन को लोग मोहब्बत कहते हैं। तो भी कीजिए, घर में लड़की जवान हो गई है। क्या हुआ? लड़की जवान हो गई तो क्या हमारी मोहब्बत भी बूढ़ी हो जाएगी? उम्र के साथ साथ ये भी खत्म होना चाहिए। क्यों? प्यार तो अमर होता है। हाँ, सरोज की नजर पड़ जाएगी ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी। चाय लीजिए। कुछ बात नहीं करोगे? क्या बात करो? कुछ भी है नहीं। चलो ना, चलते हैं। देर हो रही। चलो। सुनो तो सरोज, सरोज मेरी बात तो सुनो, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं आज पहली बार घर से झूठ बोलकर आई हूँ। तो अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो यहीं से शुरू हो जाएगा हमारी मोहब्बत का इम्तिहान। इम्तिहान? हाँ, इम्तिहान। क्यों, तुम इम्तिहान से घबराती हो? डर लगता है तुम्हें? नहीं, घबराती तो नहीं हूँ, लेकिन सोचती हूँ इम्तिहान का नतीजा कुछ भी तो हो सकता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, डोंट वरी। एक, दो, तीन, चार, पांच। मुनीम जी। अरे कहाँ बड़ा हुआ, कहाँ था? आज शिवरात्रि के दिन है, छुट्टी है, पैसा वैसा ना मिली? अरे हम हिसाब विसाब नहीं मांग रहे हैं। तो फिर काम आ गया? वो अपने छोटे इंजीनियर बाबू है ना। हाँ, वही का वर्करों ने भांग पिला दिया है। अरे कहाँ बकवास कर रहा था? अरे हम सच कह रहे हैं। सच्ची कहा था? वो देखा आउट होके जा रहे हैं। अरे पप्पा, तो मानेंगे पेट्रोल एंड फायर दोनों को एक जगह नहीं होना मांगता, कभी भी आग लग सकता है, अंडरस्टैंड? तुम कहना क्या चाहते हो तुमने? अंकल, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी धोखा नहीं खा जाना। धनी, तुम्हारे शर्म मैं खूब समझता हूँ, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना, सोच रहे हो ना? यस। आइंदा ऐसा कभी मत सोचना। अंकल, अंकल, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी अंकल। देखो, देख, आपका प्रेस्टीज हम अपना प्रेस्टीज समझता है, तो बुरा मत सोचो मेरे घर के बारे में। अंकल, आई एम सॉरी, गॉड प्रॉमिस, हम कभी नहीं सोचेगा आप ऐसा। अब तो अंकल खाओ में बुरा मान गए। नेवर, नेवर, नेवर। लेकिन अंकल, एक स्ट्रेंजर को पेइंग रख के आपने ठीक नहीं किया, उसकी फिक्र तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अपना अच्छा बुरा फैसला मैं खुद ही कर सकता हूँ अंकल। हमारा जो माइंड में आया हम बोल दिया, रेस्ट इज योर प्रॉब्लम। ओके, गुड नाइट एंड बैड ड्रीम्स। टोनी की बातें कहां तक सच हैं? कैसी बातें? खुलकर तो कुछ कहा नहीं उसने, और उसका इशारा सरोज और संतोष की तरफ। दारू मारो कलमुए के मुंह पर, वो जैसा है उसी तरह सबको समझता है। मैंने भी साथ ही साथ उसे बहुत कुछ सुना दिया था, फिर भी उसी बात पर अमल तो करना है। साफ साफ बताइए क्या बात है?
कुछ नहीं, सो जाओ। अब वो बदमाश बेमतलब का बदनामी करता फिरेगा। उसे हमारे घर की फिक्र क्यों है इतनी? संतोष सरिस लड़का है, उसकी तरह लोफर नहीं है। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि बंबई में मुझे सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब रहने को अच्छा सा घर, अच्छी सी नौकरी, माँ बाप और अरे तुम लोग आज यहाँ कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता भूले नहीं वरना किसी और के घर में ना घुस जाते। चलो जी, चाहिए कॉफी? कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेहमान से नहीं मिल पाओगे? हाँ क्यों नहीं, ये है संतोष बाबू, मेरे पेइंग गेस्ट। तेरे पेइंग गेस्ट? मेरा मतलब हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट है। ओहो, तो फिर ये बोलना। संतोष बाबू, ये दोनों मेरे बचपन की सहेलियाँ हैं। तेरा नाम बिंदा सक्सेना है, मैं सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, और मैं करुणा कुलकर्णी, हाँ करते एडवोकेट। नमस्ते। आप बोलिए। हेलो जी, मुझे जानती हूँ जी, मैं संतोष वर्मा हूँ, एक छोटा इंजीनियर। चले ले रानी। अबे तेरी रानी को ये रहा मेरा बादशाह। जी बॉस आया भी। हेलो बॉयज, सब ठीक? नमस्ते बॉस। नमस्ते। नमस्ते। बस ठीक है बॉस, सब चल रहा है? माल सबका पहुंच गया? जी। ए, ठीक सब? क्या नेल्सन आया? मेरे को मालूम नहीं बॉस, उसी का वेट कर रहे। नेल्सन है किधर? बॉस, बॉस, बॉस गाड़ी पुलिस ने पकड़ लिया बॉस। जब देखो पुलिस तुम्हारा गाड़ी पकड़ लेता। व्हाट इज दिस मैन? व्हाट इज दिस? मैं तो जान से मार देगा। सॉरी बॉस। गाड़ी इंजन। ए, तुम लोग माल रेडी करो, हम दूसरे गाड़ी का इंतजाम करता है। पुल द फकिंग गाड़ी। नौकरी तो मैं अपनी जिद से कर रही हूँ, पापा मम्मी तो बिल्कुल नहीं चाहते। कोई बात नहीं, मन तो लगा रहता। हाँ बस वही। एक्सक्यूज मी। आइए ना। हेलो, आप लोग बैठ के बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप इतने खामोश क्यों हैं? जी क्या बात करूँ? जो भी दिल में आए। आप वकील हैं, डर लगता है कहीं फंस ना जाऊं। अगर फंस भी गए तो कोई नुकसान नहीं होगा। अरे फिक्र मत कर, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर साहब दवा देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हेलो प्रिंटर जी। हेलो, देखो सर, जब बहुत हो गया, तुम ये प्यार में कंजूसी करना छोड़ दो। ऐसे क्या देख रही हो भाई? प्यार करना है तो दिल खोल के करो। और बदनामी भी नहीं तो दिल खोल कर। बदनामी? इतना नाम रखिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे क्यों, जल्दी जल्दी नहीं समझा सकती? समझ सकती। खुशनसीब है वो जिसका तुम इंतजार कर रही हो। ये इंतजार नहीं है, मोहब्बत की सजा है। ये तो मोहब्बत की इबादत है। तो कैसे ये इंतजार आप खुद ही कर लीजिए। मेरे महबूब, तेरे दम से इस दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में रखा क्या है? देखो नाराज होने का Hit the bastard, die! Hit the bastard, die!
उसे कुछ बात मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जिंदा बचेगा तो हमको छोड़ेगा ना। कम ऑन कम, इनको जब्ती डालो, पकड़ो पकड़ो इनको। हमने क्या बोला है? कम ऑन कम ऑन, इंग्लिश समझ रहा है किसका हमको? हो जाएगा अंकल, लेकिन आजू बाजू वाला क्वाइट नहीं होगा, उन लोग तो आपके ऊपर थूकेगा। अंकल अपुन सच बोलता है, सरोज अभी आपका कंट्रोल से बाहर निकल गया। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आता। अंकल आपको तभी यकीन आएगा जब आप खुद अपना आंख से देखेगा। तब मैं उस कमीने को गोली मार दूंगा। तुम्हारी चाय बाहर रख दो। क्या पढ़ रहे हो? चाय रखी। हाँ थैंक यू, पी लूंगा। तुम जाओ। क्यों? जाओ। नाराज हो गए, मैं मजाक कर रहा था। सब लोग घर में कोई देख लेगा। सुनो मैं नीचे देख के आ रहा हूँ, अंकल आंटी दोनों नहीं हैं। प्लीज सरोज आज ना पियो।
मैं निकल जाएगा। देखिए अंकल, मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं सरोज से प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? सच बोला है सरोज, क्या तो अंकल से कि तुम मुझसे प्यार करती हो? सरोज प्लीज, सरोज कुछ तो बोलो। देखो सरोज, सरोज डरो मत, सरोज अंकल निकल जाओ, मैं निकल जाओ इस बात से। इसे क्यों निकाल रहे हैं आप? तुम तो मत बोलो, बात मेरी बात आप है। निकलो निकलो निकल जाओ इस बात से। बुड्ढे ने पीछे लात मार के घर से निकाल दिया। वेरी सैड। मालूम है मुझे घर से निकलवाने में तेरा ही हाथ। अच्छा हुआ समझ गया, आज हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मैडम जी, हाँ हाँ क्या बात है? अयो सब गड़बड़ जी, बहुत गड़बड़ जी। गड़बड़ क्या हुआ? वंडर एंड मुड, तीन दिन से हमारा ऑफिस में मातम है जी, मातम। मातम क्या बात की हो? अयो संतोष बाबू तीन दिन से ऑफिस नहीं आया जी, सब लोग उदास जी। उनकी तबीयत तो ठीक है ना जी? मालूम नहीं, अब वो यहाँ नहीं रहते। अयो तुम क्या बोलता जी, वो इधर ही रहता, हम कितनी बार उनको इधर से लेकर गया जी। कहा ना, अब वो यहाँ नहीं रहते, यहाँ से चले गए हैं। कहाँ चले गए जी? मालूम नहीं। अब मालूम नहीं जी, यह मुर्गा बहुत गड़बड़ जी, दाल में काला जी, बहुत गड़बड़ जी, बहुत गड़बड़ जी। करुणा ने कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वृंदा इस तरह संतोष को मुझसे छीन लेगी। उसने कहा कि तेरी ही है। संतोष बाबू को आधी रात को
घर से बेचक करके नहीं निकालना चाहिए था। मैंने नहीं निकाला उन्हें, तूने नहीं निकाला। पर संतोष बाबू तेरे बारे में क्या सोचते होंगे? पापा को गुस्सा तो भी जानती हूँ, उन्हें सब मालूम हो गया था। जो होना था वो हो ही गया। अगर संतोष मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वृंदा को एक दिन इसका एहसास जरूर होगा। वृंदा, अगर तुम उस अजनबी को पाकर मुझे धोखा देने की कोशिश करोगी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाय बेबी, लिसन, हम तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज लाए। तुम्हारा मिस्टर रोमियो विनय। क्या बक रहे हो? कोर्ट पर से तो हॉस्पिटल गया, लेकिन वहां से आने का कोई चांस नहीं है। बाय। हेलो अंकल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। मॉर्निंग देवो डोनी। इस वक्त तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हमें इतना सोचना पड़ता। टेक इट इजी अंकल, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। जो आपका कुछ बिगाड़ने आया था उसका खुद ही बिगड़ गया। क्या हुआ उसे? आंटी, उस जेंटलमैन का कल एक्सीडेंट हो गया। ज्यादा चोट तो नहीं है? अरे उसी चोट के बारे में परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें चोट देकर चला गया। डोंट वरी अंकल, सिविल हॉस्पिटल से वो वापस नहीं आएगा। मुझे बचाया था डॉक्टर, मर जाना चाहता था। डॉक्टर किसी को मारता नहीं, बचाता है। संतोष बाबू, आपने बताया नहीं। जोर से सांस लीजिए कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सरोज की याद में। बुला दूं उसे? नहीं, वृंदा अगर वो चाहती तो आज मेरी यह हालत न होती। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि उसके पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। वृंदा, मुझे दुख इस बात का है कि सरोज ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। नर्स और डॉक्टर, उनको दवा देना, मैं दूसरे वार्ड में हूँ। वृंदा, संतोष बाबू का एक्सीडेंट हो गया, उनकी हॉस्पिटल में है। मालूम है मुझे, मेरे ही वार्ड में है। तो मुझे उनके पास ले चलना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम उनसे नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए कि वो इस वक्त खतरे से खाली नहीं। सरोज की हिम्मत देखी तुमने? उसकी जी मजाल नहीं बोले, घर से बाहर गए। सच चढ़ाने का नतीजा देखा तुमने? आने दो उसे, आ जाने दो। देखता हूं मैं, देखता हूं। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती, वो नहीं अब जाएगी। इसे समझा दो। फिर मैंने कभी से बाहर जाते हुए देखा तो मैं वैसे ही से गोली मार दूंगा। मेरी छोटी सी कुटिया। अच्छे, बहुत अच्छे। नमस्कार सर। हाँ, ये शकुंतला है। शकुंतला, ये मेरे खास मेहमान संतोष बाबू हैं। इन्हें यहाँ किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ आगे भाई, मेरे होते हुए काय की तकलीफ पड़ेगी? अच्छा अच्छा, जाके किसी से सामान लिया आइए। शकुंतला हमारे साथ कई सालों से है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। बैठिए।
यहाँ पर आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी और इस वक्त आपको सख्त आराम की जरूरत है, इसलिए आप फालतू चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। फालतू चिंता मतलब? मतलब आप सरोज को भूल जाइए। गलत मत। पता सरोज को तो समझ रहे, क्योंकि हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी रही हो, और फिर मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना। लो मेरे साथ चाय। नीचे पीछे आप सोचते होंगे कितने बड़े बंगले में मैं अकेली। आपके मम्मी डैडी नहीं? नहीं, मम्मी बचपन में ही चल पड़ी थी और डैडी को एक्सपायर हुए 2 साल हो गए हैं। ये बंगला उन्हीं का बनाया हुआ है। Hey man, how are you? Fine. तुम अभी तक जिंदा है मैन, इसलिए कि अब तुझे मरना है। तू मुझे मारेगा? यहाँ अगर लेडी डॉक्टर का घर नहीं होता तुम्हें। ओ लेडी डॉक्टर, खामोश, दूसरा चक्कर चला दिया। उसके बारे में कुछ भी कहा तो देखती है क्या ये लेडी डॉक्टर? सॉरी मैन, तुमने हमारा गेम खराब किया है, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। कौन किसे मारता है ये तो वक्त ही बताएगा। पढ़ रहा था तो अचानक नींद आ गई। कम से कम कपड़े तो बदल लेते। हाँ मैं बदल लूंगा, आप जाके सो जाइए प्लीज। मुझ पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरे साथ धोखा हुआ है।
मैंने खत्म नहीं किया वृंदा जी, मेरा विश्वास कीजिए। अरे बाप रे, यहाँ तो खून हो गया। मैंने खून नहीं किया। वृंदा जी आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? मैंने खून नहीं किया। जल्दी से पुलिस को बुलाएं। लोग पुलिस आएंगे। वृंदा जी ये जरूर किसी के चाल है, मुझे झूठा बताया गया। मैंने खून नहीं किया। वृंदा जी प्लीज आप इन्हें समझाइए कि मैं निर्दोष हूँ। वैसे मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। फिंगरप्रिंट्स और एम्बुलेंस को बंदोबस्त करो। यस सर। चलो करुणा। करुणा गजब हो गया। क्या हुआ? कल रात संतोष बाबू ने एक गुंडे का खून कर दिया और उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। तो मैं क्या कर सकती हूँ करुणा? कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। इतना प्यार करती है तो संतोष बाबू से। हाँ ऐसे कुछ भी ज्यादा प्यार सरोज करती थी उनसे। तो कहने का चाहती हूँ मैं उन्हें बचाऊंगी, पर मुझसे वादा कर कि तू उनसे कभी नहीं मिलेगी। तू इतनी जल्दी निकलेगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सरोज से कभी सोच नहीं सकती थी कि तू उसके साथ धोखा करेगी। करुणा तू संतोष बाबू को हॉस्पिटल से घर लिया, मैं उन्हें कोर्ट से घर लिया। अरे वृंदा जी शुक्र है आप घर पर तो हैं। आइए बैठिए। कहिए चाय लेंगे या कॉफी? नो थैंक्स, मुझे आपसे कुछ कहना है। संतोष के बारे में? आप कैसे भी करके उन्हें बचा लीजिए। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उसका फैसला मेरे हाथों में है। फिर भी आप कोशिश तो कर सकते हैं। इतना प्यार है उससे आपका? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सही समझने के लिए आपने मुझे मौका ही कर दिया। आप दिल की बात दिल से होती है इंस्पेक्टर साहब, समझते नहीं। थैंक यू। संतोष बाबू घबराइए मत, आपका केस मैं लड़ूंगी। प्लीज करुणा जी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। करुणा का मतलब जानते हैं आप? जानता हूँ, पर अब मुझे किसी से दया की भीख नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे। संतोष बाबू पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। वो सब तो ठीक है करुणा जी, लेकिन आप मुझे क्यों बचाना चाहती हैं? इसलिए कि बेगुनाहों को बचाना मेरा पेशा ही नहीं मेरा फर्ज भी है। आप इस वकालत नामा पर दस्तखत कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं मेरी जेब में हाथ डाल रहा था, इतने में सामने वाले बूढ़े की जेब में हाथ गया सब। इतने में मेरे पीछे हवलदार ने मेरे को पकड़ लिया सर, मेरे को पकड़ लिया सब। अगर तुम्हें हवलदार ना पकड़ता तो तू उसका पॉकेट मार लेता? यस सर। अबे इंग्लिश बोलता है होल्डर, ये जगह बंद कर दो से। यस सर। चल नहीं सर, मेरे बस जो सर, मेरे कसूर सर, मेरे बस जो। बंद कर दो, बंद कर दो से। अरे आइए आइए वृंदा जी आइए, वेलकम। ये मेरे वकील हैं मिस्टर सेन, हम जरा संतोष बाबू से मिलना चाहते हैं। हाँ जरूर जरूर। पांडुरंग इन्हें ले जाकर संतोष फर्मा से मिलवा दो। यस सर।
संतोष बाबू चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे वकील हैं सैन साहब। संतोष बाबू आप इस वकालतनामे पर दस्तखत कर दीजिए। सॉरी मैंने वकील कर लिया है। किसको? करुणा कुलकर्णी को। ठीक है कोई बात नहीं मैं चलता हूं। मिस्टर लोहिया, गीता पर हाथ रख के कहिए आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? संतोष वर्मा। आप मकसूल टोनी कैस्पर को पहले से जानते थे? जवाब दीजिए। मिस्टर संतोष, वकील साहब आपसे जो जो पूछें उसका आप सही सही जवाब दीजिए। मिस्टर संतोष वर्मा मैं पूछ रहा हूं आप टोनी कैस्पर को पहले से जानते थे? जी हाँ। उसके साथ आपकी कोई जाति दुश्मनी थी? जी हाँ। किस बाबत में? सच सच बताइए किस बारे में टोनी कैस्पर के साथ आपकी जाति दुश्मनी थी? एक लड़की के बारे में। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। हाँ तो मिस्टर संतोष वर्मा अभी अभी आपने बताया कि लड़की की वजह से आपकी और टोनी कैस्पर की दुश्मनी हुई, क्या आप बता सकते हैं कि उस लड़की का नाम क्या था? आप खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए कौन वो लड़की जिससे आप इतना प्यार करते हैं? मैं किसी से प्यार नहीं करता हूं। तो फिर उसका नाम बताने में आप झिझकते क्यों हैं? इसलिए कि उसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं, वो इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इस बात का फैसला अदालत करेगी, आप नहीं। आप उस लड़की का नाम बताइए। मिस्टर संतोष आप घबरा क्यों रहे हैं? आपसे जो जो सवाल किया जाए उसका आप जवाब देते जाइए। मिलोर्ड मैं पहले भी कह चुका हूं कि उस लड़की का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। खामखा एक शरीफ और इज्जतदार लड़की को अदालत में घसीटने से क्या फायदा? मिस्टर संतोष अदालत आपसे बेहतर समझती है। आप सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए, खुद सवाल ना कीजिए। मिस्टर संतोष कोई कहानी गढ़ने की कोशिश मत कीजिए। साथ आप बताइए क्या नाम है उस लड़की का? उसका नाम है बृंदा सक्सेना। क्या वो लड़की उस वक्त अदालत में है? जी हाँ। यारा मैं बृंदा सक्सेना से चंद सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। लेडी डॉक्टर बृंदा सक्सेना हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख के कहिए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। तो आपका नाम बृंदा सक्सेना है? जी हाँ। आप संतोष वर्मा को जानती हैं? मैंने आपसे पूछा आप संतोष वर्मा से वाकिफ है या नहीं? जी हाँ। गुड। इसका मतलब है आप मकतूल टोनी कैस्पर को भी जानती थी? नहीं। जी नहीं है? जी हाँ। याद रहे आपने गीता पे हाथ रखते सौगन खाई आप जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी। आप जानती थी या नहीं? मैं उसे जानती नहीं थी वकील साहब। हाँ बदकिस्मती से उसे पहचान की जरूरत थी। गुड। ये पॉइंट नोट किया जाए मिलोर्ड। बदकिस्मती से पहचान की जरूरत थी। हाँ तो आप अदालत को ये बताएंगे मिस बृंदा कि आप टोनी कैस्पर को किस तरह जानती थी? वो एक बार मुझसे मिलने हॉस्पिटल आया था। थैंक यू। इससे ज्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। ये बात नोट की जाए मिलोर्ड। टोनी कैस्पर मिस बृंदा से मिलने अस्पताल गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि टोनी कैस्पर का मिस बृंदा के साथ किसी न किसी किस्म का ताल्लुक जरूर था। ये झूठ है, ये झूठ है मिलोर्ड। उस कमीने के साथ बृंदा सक्सेना का कोई संबंध नहीं था। तो सच क्या है?
मिलोर कोई किसी ने खाम खास अस्पताल में मिलने आधी रात को नहीं जाता। सच तो ये ऑनर कि संतोष की तरह टोली गेट पर भी मिस बिंदा को चाहता था और जिस तरह वो उसे मिलने एक बार अस्पताल गया था उसी तरह कल की रात वो उसे मिलने उसके घर भी गया था। मिलोर अपनी महबूबा का किसी गैर मर्द से आधी रात इस तरह मिलना संतोष वर्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने गुस्से के बस में आके अपने दुश्मन टोली गेस्टर को हमेशा हमेशा खत्म कर दिया। ये सरासर झूठ और बेबुनियाद है जज साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, मेरे साथ धोखा हुआ है। यकीन मानिए जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। बाबू ने करुणा को अपना वकील रख लिया है। कौन करुणा? वो लेडी एडवोकेट। आप लेडी एडवोकेट करुणा को जानती हैं? वो मेरी सहेली है। इसका मतलब है संतोष भी उसे जानता है। क्यों, क्या बात है? मैं सोचता हूँ कहीं इस केस में आप ना फंसे हैं। क्यों, मैं क्यों फंसूंगी? इसलिए कि इस खून में करुणा का भी हाथ है, वो संतोष को बचाने के लिए आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। अगर आप इस खून के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं तो अदालत को साफ साफ बता दीजिए कि टोनी गेस्पर का खून संतोष वर्मा ने किया है। अंदा, तुझे कुछ पूछना है इस बारे में, संतोष बाबू के बारे में। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, इतना सेल्फिश मत बन, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन इस जिंदगी और मौत से मेरा क्या फायदा मिस वकील साहिबा? जिंदगी में फायदा ही सब कुछ नहीं होता है डॉक्टर जी साहिबा, इंसान का कुछ इंसानी फर्ज ही होता है। तो कहना क्या चाहती है? मुझे इस केस के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि तुम जैसा का खून संतोष वर्मा ने ही किया है। कुमारी करुणा, आपको कुछ पूछना है? मुझे कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना है योर ऑनर। पहले तो मैं अदालत को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे दोस्त ने मुजरिम पर जो कत्ल का इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल गलत है। एक तो अदालत फैसले की घड़ी के करीब पहुँच रही है और मेरी फाजिल दोस्त अदालत का वक्त जाया करने पर चुनी हुई है। मैं अदालत का वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ, सही इंसाफ दिलाने की मदद कर रही हूँ। ऑर्डर इन द कोर्ट रूम प्लीज। यस कुमारी करुणा, प्लीज कम टू द पॉइंट। थैंक यू। पॉइंट की बात तो ये है योर ऑनर कि अब तक जो अदालत में साबित हो चुका है कि संतोष वर्मा और टोनी गेस्पर के बीच क्या दुश्मनी थी, क्या ये साबित हो चुका है कि संतोष ने ही टोनी का खून किया? संतोष वर्मा ने ही टोनी गेस्पर का खून किया, इसका सबूत मैं अभी आपको दे दूंगा। सबूत मुझे नहीं, अदालत को चाहिए। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। योर ऑनर, मैं अभी साबित कर दिखाऊंगा कि कत्ल की असली वजह डॉक्टर बिंदा सक्सेना है जिससे मक्तूल और मुजरिम एक साथ मोहब्बत करते थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बिंदा और संतोष के बीच कोई मोहब्बत नहीं है। योर ऑनर, मेरी फाजिल दोस्त शायद भूल रही है कि अदालत उसके दावे के नहीं सबूत की तौर है। सबूत मेरे पास है जो मैं पेश करूंगा। वो सबूत गलत है। वो सबूत सही है। ऑर्डर ऑर्डर। यस मिस्टर लोहिया, वो सबूत पेश किया जाए। नमस्कार कार्लो। हाँ तो सकुचा भाई, तुम उस साहब को पहचानती हो? इनको काय को नहीं पहचाना जी साहब, ये तो मेरे मेम साहब के घर में रहते थे। अच्छा, ये बताओ कि इन साहब के और तुम्हारी मेम साहब के रिलेशन कैसे थे? या पाया मंजे रिलेशन बोले तो क्या साहब? रिलेशन मतलब शकुंतला भाई, इनके और तुम्हारी मेम साहब के संबंध कैसे थे? इनके संबंध? हाँ बोलो, घबराओ नहीं। नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। तुमको साहब मालूम है शकुंतला भाई, बताओ क्या जानते हो तुम इनके बारे में? घबराने जबरदस्ती करने को मैं क्यों क्या साहब, उनका लफड़ा मैं क्या जानू। शकुंतला भाई, वकील साहब आपसे जो भी पूछते हैं आप उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। हाँ तो शकुंतला भाई, सच सच बताओ, तुम्हारी मेम साहब के साथ
संतोष साहब का कैसा लफड़ा था? प्यार मोहब्बत का लफड़ा। थैंक यू, लेट्स ऑल योर ऑनर। नो विटनेस। साइलेंस इन द कोर्टरूम प्लीज। शकुंतला, तुमने कैसा अंदाजा लगाया कि तुम्हारी मेम साहब और संतोष वर्मा के बीच प्यार का लफड़ा था? वाह भैया, मेरे को क्या इतना भी नहीं समझता। वो दोनों हमेशा हंस हंस कर अकेले में बात करते थे। अकेले में बात करते थे? कहाँ? बगीचे में, जंगल में? नहीं, घर में। उनके अलावा घर में और कोई था? नहीं, वो दोनों थे। ये बात नोट किया जाए योर ऑनर, घर में दोनों अकेले थे, इसीलिए वो कहीं भी बात करते अकेले करते। और वही हंस हंस कर बात करना, वो तो भाई बहन बाप बेटी भी करती है। लेकिन उन पवित्र रिश्तों के जज्बात अलग होते हैं, उनके किरदार अलग होते हैं, उनके मायने अलग होते हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। संतोष और वृंदा में जो गलत संबंध है उसका क्या सबूत है सरकारी वकील के पास? यस मिस्टर लोहिया, वो सबूत पेश किया जाए। यस योर ऑनर, मेरा अगला गवाह दयाल शंकर गुप्ता। पेश किया जाए। तो आपका नाम दयाल शंकर गुप्ता है? जी हाँ। मिस्टर गुप्ता, आप अदालत को बताएंगे कि आप कहाँ रहते हैं? हुजूर, मैं लेडी डॉक्टर बृंदा सक्सेना के घर के सामने ही रहता हूँ। घबराइए मत, आप खुल के बताइए। आपका मतलब है कि आप लेडी डॉक्टर बृंदा सक्सेना के बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हैं? हाँ, बिल्कुल सामने। हाँ ठीक है, तो आप ये बताइए, आप उस शख्स को पहचानते हैं? हाँ, ये वही खूनी है जिसे खून करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने अपनी आंखों से खून करते देखा है? जी हाँ। आपने चश्मा पहनने वाला है या ये दूर की नजर का है? ये दूर की नजर। तो आपने चश्मा पहना हुआ था? जी हाँ। अच्छा, तो आप मरने वाले टोनी जैस्पर को पहचानते थे? जी नहीं, वैसे एक बार मैंने देखा था, उस दिन इसने उसको जान से मारने की धमकी दी थी। आपने एक बार उसे देखा था और उस दिन इन्होंने उसे मारने की धमकी दी थी। आप ये बताएंगे कि आपने टोनी जैस्पर को कहाँ देखा था? लेडी डॉक्टर के घर पे। अच्छा, तो आपने लेडी डॉक्टर के घर पे टोनी जैस्पर को भी देखा था और इनको भी देखा था, और उस दिन इन्होंने टोनी जैस्पर को मारने की धमकी दी थी आपके सामने? जी हाँ, मैंने अपने कानों से सुना था। अच्छा, आपने अपने कानों से सुना था। थैंक यू मिस्टर गुप्ता, दैट्स ऑल। थैंक यू। कुमारी करुणा, आप गवाह से कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ तो मिस्टर दयाल शंकर गुप्ता, खून करते हुए आपने इस आदमी को देखा था? जी हाँ। मतलब खून के वक्त आप वहाँ खड़े थे? ये नहीं, मैं चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ दौड़ते हुए पहुँचा तो खून हो चुका था और इसके हाथ में चाकू था जिसे खून लगा हुआ था और चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? खून मैंने नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि उस आदमी ने खून किया? बहुत ही सीधी साधी बात है योर ऑनर, जो शायद वकील सफाई की समझ में नहीं आई। खून तो आदमी अक्सर गुस्से के जोश में आके कर जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ क्षण के लिए घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वही हाल इस केस में भी हुआ। संतोष वर्मा ने टोनी जैस्पर का खून तो कर दिया, लेकिन इस बात कंफ्यूज हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कुछ वक्त मिस्टर गुप्ता मौका है वारदात से पहुंच गए। मिस्टर गुप्ता को देख के संतोष वर्मा को कुछ नहीं पूछा, अपने बचाव में उन्होंने सिर्फ एक जुमला पूछा तो उन्होंने कह दिया कि खून मैंने नहीं किया, ये खून मैंने नहीं किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। सरोज, आ बैठ। मैं कल भी आई थी लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ पता चला मुझे। तो ये भी पता चला कि संतोष बापू ने किसी का खून किया है। Let us start the proceedings. Your Honor,
मैं इंस्पेक्टर राकेश खन्ना से कुछ पूछना चाहती हूँ। गीता पर हाथ रख के कहिए कि आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच ही कहूंगा। इंस्पेक्टर राकेश खन्ना, जब आपने मुजरिम को गिरफ्तार किया उस वक्त मुजरिम किस हालात में थे? मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। रंगे हाथ का मतलब खून करते हुए? जी नहीं, वो खून करके लाश के पास बैठा हुआ था। मतलब आपका इंतजार कर रहा था कि आप आके उसे गिरफ्तार कर लो? इस तरह के ऊटपटांग के सवाल करके वकील सफाई पुलिस का मजाक उड़ा रही है। मैं पुलिस का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो सिर्फ सच्चाई को सामने लाने की प्रयत्न कर रही हूँ। क्योंकि कोई भी मुजरिम जुर्म कर भाग जाता है, पुलिस का इंतजार कभी नहीं करता। ये मुजरिम पुलिस का इंतजार कभी ना करता हुजूर, ये भी भाग जाता अगर इसे भागने का मौका मिला होता। मौका था लेकिन भागा नहीं, क्योंकि वो खूनी नहीं था। योर ऑनर, लगता है वकील सिपाही को इस मुजरिम से कुछ जाती हमदर्दी है। हम भी चाहिए क्योंकि वो बेकसूर है। ऑर्डर इन द कोर्ट रूम प्लीज, ऑर्डर। थैंक यू योर ऑनर। अब ये बताओ इंस्पेक्टर साहब, जब आपने मुजरिम को रंगे हाथ पकड़ा तो वो चाकू भी बरामद की होगी, किसी मुजरिम ने खून किया था? बोलिए। आप खामोश क्यों हैं? बोलिए। मुझे कोई चाकू नहीं मिला। ये बात नोट किया जाए योर ऑनर, मुजरिम रंगे हाथ पकड़ा गया लेकिन उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि संतोष वर्मा ने खून नहीं किसी और ने किया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हथियार न मिलने का मतलब ये नहीं ये खून संतोष वर्मा ने नहीं किया। हो सकता है उसने हथियार कहीं छुपा दिया हो। लेकिन आपके गवाहों के बयान के मुताबिक खून के बाद मुजरिम के हाथ में चाकू था। संतोष वर्मा ये चाकू इतनी जल्दी कैसे छुपा सकता था? कैसे भी छुपा सकता है, कहीं भी छुपा सकता है। तो अदालत को ये सबूत चाहिए, ये चाकू चाहिए जिससे खून हुआ था। हाँ हाँ, वो चाकू भी मिल जाएगा, आपका समझ आप इसे बता देंगी। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट रूम प्लीज। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। बिटिया तू खाना खा ले। नहीं बाबा, मैं बाद में खा लूंगी, तुम जाके खा लो। क्या बात है बिटिया, आजकल तू बहुत परेशान रहती है। वृंदा का केस बहुत उलझा हुआ है बाबा, संतोष बाबू को बचाना बहुत मुश्किल है। हर मुमकिन कोशिश तू जरूर करती है बिटिया, पर तेरे बस में क्या है? अफसोस तो ये बात का है कि मैं जानती हूँ कि संतोष बाबू निर्दोष है। तू चिंता जिन कर बिटिया, भगवान तेरी सहायता जरूर करेंगे। जब तो मैं सोचती हूँ। तुम मिलने को आई, सरोज सरोज, क्या तुम यही समझते हो कि मैंने टोनी का खून किया है? टाइम हो गया। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर राकेश को फिर से एक बार विटनेस बॉक्स में बुलवाना चाहती हूँ। इजाजत है। इंस्पेक्टर राकेश हाजिर हो।
इंस्पेक्टर राकेश, क्या वो हथियार बरामद हुआ? किसी टोनी डॉक्टर का खून हुआ? जी नहीं, कोशिश जारी है। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं इंस्पेक्टर राकेश से और कोई सवाल करूं, मैं अदालत को ये बता देना चाहती हूं कि इंस्पेक्टर को पता है कि ये चाकू कहाँ है। ये झूठ है योर ऑनर, मुझे उस चाकू के बारे में कुछ पता नहीं। घबराइए मत, वो चाकू मेरे पास है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपने मुजरिम को रंगे हाथ पकड़ा था उस वक्त कितने बजे थे? बोलिए। यही कोई 2 बजे थे। रात या दिन? रात। थैंक यू योर ऑनर, इंस्पेक्टर ने मुजरिम को रात को 2 बजे रंगे हाथ पकड़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये खून 10-12 घंटे पहले हो चुका था। इससे साफ जाहिर होता है कि संतोष वर्मा ने ये खून नहीं किया। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर लोहिया, आपको कुछ कहना है? नो क्वेश्चन सर। मिस करुणा देवी, आप अपनी गिरह जारी रखिए। थैंक यू सर। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको काफी परेशान किया। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। आपने संतोष वर्मा को खून करते हुए कहाँ पकड़ा था? कितनी बार कहूँ, वृंदा सक्सेना के घर पर। आप वृंदा सक्सेना को पहले से जानते थे? बोलिए, आप वृंदा सक्सेना को पहले से जानते थे? जी हाँ। क्या आप उसे जानते भी थे? इस मुकदमे से इस सवाल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मिस करुणा देवी, प्लीज कम टू द पॉइंट। योर ऑनर, मेरे सवाल के जवाब से ही मुजरिम की जिंदगी और मौत का फैसला हो सकता है, इसीलिए सवाल पूछने की आजादी दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी डॉक्टर बिंदा, आइए मेरे साथ प्लीज। और क्या हुआ? यू नो संतोष। हाँ, क्या हुआ? उसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया छत पे। आइए, वो सुसाइड करने की कोशिश की उसने। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? खून बह गया उसका डॉक्टर, ही इज ब्लीडिंग वेरी बैडली डॉक्टर। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? उधर 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 देखिए, उधर है संतोष। प्लीज डॉक्टर, संतोष कहाँ है? संतोष मेरे साथ क्या तुम मुझ में नहीं है? अरे संतोष के साथ तो बहुत निबटती हो, मेरे साथ मोन देवी मुझे तो पता है क्या है। वही जो तुम संतोष के साथ करती हो, कम कम कोई कम देवी कम। ए ज्यादा नहीं भागने का कम।
मामला किसे पता नहीं मुझसे भूल हो गई है। अलबत्ता लास्ट को मिस्टर संतोष कुमार के घर तक पहुंचाने का जरूर मैंने किया। अपने से ग्वाले से ऊपर अदालत का कोई भी फैसला स्वीकार करने को मैं तैयार हूं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस करुणा आपको और कुछ कहना है? लगाना अब सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। इसे साफ पता चल गया है कि संतोष वर्मा निर्दोष है और ये कत्ल एक हादसा था। अब फैसला आपके हाथ में है। दैट्स ऑल योर ऑनर। थैंक यू योर ऑनर। जैसा कि वकील सफाई ने अभी अभी अपनी जमीन में कहा कि यह कत्ल एक हादसा था, मैं इनसे काफी से सहमत हूं। यह कत्ल वाकई एक हादसा था। इंस्पेक्टर राकेश ने एक अबला की इज्जत बचाने की खातिर तुम जस्टर को रोका। उन दोनों में झड़प हुई, थोड़ी सी हाथापाई हुई। फलस्वरूप टोनी जस्टर एक्सीडेंट ही मारा गया। टोनी जस्टर का कत्ल नहीं हुआ ऑनर, वो अपनी मौत का शिकार खुद हुआ। लिहाजा यह ऑनर मेरी अदालत से अपील है कि फैसला सुनाते वक्त इंस्पेक्टर राकेश के साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। सचिव ऑनर दवाओं के मुख्तलिफ बयानात और काबिले कदर वकील मिस करुणा देवी की कामयाब गिरह की रोशनी में अदालत मिस्टर संतोष वर्मा को टोनी जैस्पर के कत्ल के इल्जाम से बरी करती है। इसी तरह मुख्तलिफ बयानात और सबूत के मुताबिक सरकारी वकील मिस्टर लोहिया की खास अपील को मद्देनजर रखते हुए इंस्पेक्टर राकेश को भी कत्ल के इल्जाम से बरी करती है। लेकिन अदालत इंस्पेक्टर राकेश को इंडियन पीनल कोड की दफा 360 के तहत संतोष वर्मा पर झूठे कत्ल के इल्जाम लगाने और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में 7 साल कैद बा मुशक्कत की सजा देती है। मुझे आपकी जान नहीं, आपका हाथ चाहिए। क्यों डर गया ना? नहीं नहीं करना जी, ये बात नहीं। दरअसल बात यह है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। घबराइए मत, मैं ये हाथ अपने लिए नहीं उसके लिए मांग रही हूँ जो वाकई में इस हाथ का हकदार है। ये आपने क्या किया? जो करना बहुत जरूरी था। सरोज तुम इसी को कहते हैं प्यारा संगम।